हाँ जी बताइए। हाँ जा घर जा रहे हैं। चल रहे हो? बैठिए आइए। हो गई छुट्टी? हाँ। मोबाइल हल्का बदल के। आप क्या करते हैं? यही करते हैं। ठीक है। हेलो, अपने को भी देखना फिर इसमें। गुसाई ब्लॉग UK01। ठीक है, यही बाइक दिखेगी। ठीक है, हम अभी हवा देवी ग्राउंड के नीचे, तो यहाँ पे हवा देवी ग्राउंड है ऊपर, तो हमारी जर्नी यहाँ से आज किनगोड़ी खाल के रास्ते भैरन खाल से मरचूला तक की है। तो हमारी जो है टाइगर जो है रेडी है, तो उसके बाद अब हमारी जर्नी जो है इस रास्ते, तो हम जाएंगे अब किनगोड़ी खाल होते हुए। तो गाइज हम निकल गए हैं किनगोड़ी खाल से, तो अभी मैच जो है ख़त्म नहीं हो रखा है, लेकिन हमें जाना है घर और हमें बहुत दूर जाना है। अभी हमने कम से कम 60 किलोमीटर दूर जाना है, तो इसलिए हम मैच को अधूरा छोड़ के आ गए हैं। तो बारात और पौड़ी गढ़वाल का मैच चल रहा है, तो दोनों टीमों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो इधर देखिए माहौल बिल्कुल सुन है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आबादी कम है, और आबादी जो है वो नीचे गांव में है, मतलब रोड हेड से ज़रा दूर है। तो अपने टाइगर में जो है तेल भी ख़त्म हो चुका है, तो आगे जाके देखते हैं कि तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा ही खाना हमको चाहिए वैसे ही अपने टाइगर को भी चाहिए। जो आज मैच हवा देवी में हो रहा था, तो मैं पूरी जो उनकी कमेटी है, समिति है, उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ पे जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे जो है लड़कियों को जो सपोर्ट किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर जो है लड़कियों को वहाँ पर मतलब आगे ले कर आ रहे हैं वहाँ के लोग, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, रस्साकशी हो गई। तो जो योगेश नौगाई जी हैं वहाँ के कमेटी के अध्यक्ष, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने जो है जब से वहाँ की अध्यक्षता संभाली है तब से जो है वहाँ पे मतलब टीमें बढ़ रही हैं, वुमेन की जो लेडीज़ हैं वो उनकी टीमें जो बढ़ रही हैं, और वहाँ की जो लड़के हैं वो भी जो है बाहर खेलने जा रही हैं। तो एक प्रकार से मतलब एक बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है कि अपने उत्तराखंड में जो है गाँव में लड़कियां जो हैं क्रिकेट के प्रति जो रुचि रख रही हैं वो काबिले तारीफ है। तो धन्यवाद करना चाहता हूं मैं हवा देवी कमेटी के अध्यक्ष और जो उनकी पूरी टीम है। तो गाइस हमारा अभी पोपट हो गया था, मैंने राकेश से कहा तेरे पास ट्राइपॉड है, तो कह रहा है नहीं तूने मुझे कहाँ दिया, तो मैंने कहा नहीं दिया। तो मैं सोच रहा था कि एक बार यू टर्न ले लो और वापस जाके वहाँ पे क्या पता देखूं कि मेरा ट्राइपॉड कहीं वहीं तो नहीं छूट गया। तो तब तक उसके हाथ में देखा ट्राइपॉड, हाथ में पकड़ के तब भी कह रहा है मेरे पास थोड़ी है ट्राइपॉड, हाथ में ट्राइपॉड पकड़ रखा है फिर भी कह रहा है कि मेरे पास नहीं है ट्राइपॉड। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सी चीज़ हमारे पास है, हमारे हाथ पे अगर हम कोई चीज़ पकड़े रखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे हाथ में भी कोई चीज़ है। तो वही हुआ राकेश के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं गांव में कोई नहीं है, सिर्फ घर बने हैं यहाँ पे, कुछ कुछ दिख रहे हैं लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा है। तो ये है बदलते भारत की तस्वीर, बदलते उत्तराखंड की तस्वीर। तो इधर देखिए गांव कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो एक प्रकार से बेरान जैसा हो गया है अब पहाड़, क्योंकि पलायन जब से हुआ है तब से
लोग कम हो गए हैं। एक सबक मिला था लॉक कोरोना से कि घर लौट चलो, गांव पहाड़ों को एक बार फिर से आबाद करो, लेकिन किसी ने जो है सबक नहीं लिया, फिर से वही। तो सुनने में आया एक नई कोई बीमारी फिर से अभी चली है, तो अब ऐसे ही होगा। अब वर्ल्ड वार जब होगा तो हथियार यूज नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे ही रासायनिक हथियार यूज होंगे, कोई वायरस छोड़ेगा, कोई कुछ केमिकल छोड़ेगा, तो ऐसे ही होगा। देवता खेत, तो यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है, वो टूर्नामेंट शायद हो चुका है या होने वाला है, शायद हो चुका है शायद, तो इधर ही कहीं है एक टूर्नामेंट है, वो होता है देवता खेत के नाम से। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ घर जा रहे हैं, चल रहे हो, बैठिए आइए। यही करते हैं, ठीक है। हेलो, अपने को भी देखना फिर इसमें, गुसाई ब्लॉग UK01, ठीक है, यही बाइक दिखेगी, ठीक है। बच्चे खुश हो जाते हैं अगर हम कहीं ऐसे जगह जाते हैं। झिंगाला सारा राधा मोटर गाड़ी माँ, ये वाला गाना चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो एक टाइम होता है हर चीज का, ऐसा नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। जैसे हम आजकल जो पुरानी चीज़ें रहती हैं तो उनको एक म्यूजियम बना के हम सजा के रखते हैं, तो उसी टाइप से ये गाने भी हम उसी टाइप से हम फिर से उजागर कर रहे हैं इन्हीं गाने को। तो वो देखिए अपना शर्ट, तो ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये एरिया पूरा पौड़ी का है, तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ये क्या खालसो, बहरन खाल पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पूरे पत्तल कर रखे हैं, जहाँ एक तरफ सिंगल प्लास्टिक जो बंद हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो यहाँ पे जो है प्लास्टिक बहुत बिखेर रखा है। तो मजेड़ा गांव आ गए हैं हम। हेलो, अब रास्ते में कोई है नहीं हमारे साथ बात करने के लिए, तो हम जो मिल रहा है उससे ही बात करने पर लग जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ना रोड हमने खरीद ली हो जैसे, या हम कोई VIP हो। तो जैसे VIP के लिए रोड खाली की जाती है, और कुछ उसी की तरह की कंडीशन यहाँ पे भी चल रखी है अभी। तो सामने है माँ भवना देवी का मंदिर, तो हम यहाँ कितनी बार जो है पैदल भी आए हैं, बाइक लेके भी आए हैं, बस में भी आए हैं, ट्रक में भी आए हैं यहाँ। तो यहाँ की बहुत सी यादें हैं। एक बार जैसे मैं इस यहाँ आया था, तो तब तक उस टाइम पे बहुत भीड़ रहती थी, तो मतलब ऐसी कम से कम 25 साल करीब पुरानी बात होगी, 25 से मतलब 20 से ऊपर साल हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे उस दिन मेले में पिछड़ गया था अपने भाइयों और अपनी दीदी से। तो क्या हुआ था कि मैं वहाँ पे खड़ा था,
तो जहाँ पे मंदिर का गेट है वहाँ पे मैं खड़ा था, तो जैसे ही मेरे भाई ने कपड़े पहन के थे वैसे ही किसी और ने भी कपड़े पहन के थे। तो भीड़ में ये हुआ कि मैंने क्या किया कि वो कपड़े देख के मैं खड़ा रहा, और क्या हुआ कि वो कोई और आदमी था जो मेरे भाई जैसे कपड़े पहन के खड़ा था वहाँ पे। तो तब तक मेरा भाई जो वहाँ से पता नहीं किधर को गया, तो क्या हुआ कि जब सब घर को जाने पे लगे तो उस टाइम जब मेरे घर वालों ने देखा कि मैं गायब हूँ वहाँ से, मैं साथ में नहीं हूँ, तो फिर वो ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आए, और तब तक मैं वहाँ पे उधर सीढ़ियों में बैठा था। तो फिर वही होता है जो गवाह खुदा होता है, रपड़ रपड़ खाए और बस मूड फ्रेश हो गया। फिर तो पहले यही होता था, अगर हमने कुछ गलती कर दी तो उसके बाद तो फिर परसोली आ गए हैं, परसोली कल के बीच परसोली। हेलो, तो ये एक छोटी सी नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है, तो ऐसे ऐसे कुत्ते होते हैं। कोई कुत्ते को एक टाइम की रोटी नहीं मिलती है, और कोई कुत्ते को देखो स्कूटी की सवारी मिल रखी है। तो ये बाजार कौन सा है, कुछ है? सबकी निगाहें हम पे। बगड़ खेत आ चुके हैं हम, तो देखते हैं कौन सा खेत है यहाँ बगड़ वाला। वाह जी, क्या घर को देखिए, हाइलाइटर लगा रखे हैं बहुत जबरदस्त। जगदेई, स्वर्गीय श्रीमती सुमनलता भदोला जी आपका स्वागत करते हैं हमारे गांव आने में, कुछ ऐसे ही लिखा था शायद वहां पे। तो यहाँ पे एक छोटी सी चेक, सुरक्षित रहें, वाहन धीरे धीमी गति से चलाएं। जिंदगी सरर मोटर गाड़ी में, जिंदगी सरर मोटर गाड़ी में, देखनेले देखी जान्छ, बुझनेले बुझी जान्छ, भेटनेले। जिंदगी सरर मोटर गाड़ी में, जिंदगी सरर मोटर गाड़ी में, देखनेले देखी जान्छ, बुझनेले बुझी जान्छ, भेटनेले। तो हम आ चुके हैं अपने एरिया में, मतलब यहाँ से जो है पौड़ी ख़त्म हो जाता है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है चालू हो जाता है। तो वैसे ही ये रोड से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि ये रोड जो है पहले बनी हुई है, और उधर वाली रोड जो अब बनी हुई है वो हाउटमिक्स की बनी है, ये हैंडमेड है ये। तो हम आ चुके हैं भैरन खाल,
तो यहाँ से जो है जिग जॉग चालू हो चुका है। तो सामने देख रहे हो आप पहाड़ी पे माँ भावना देवी का मंदिर है। तो हम आ गए हैं भैरनखाल, एक छोटी सी मार्केट है। तो ये है भैरनखाल बाजार, कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर का एरिया। तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के बॉर्डर का एरिया है। तो देख सकते हैं बाजार में बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं है बाजार में, क्योंकि जो पलायन है तो पहाड़ों में इस कदर हो चुका है कि आप बाजारों की हालत दिनों दिन और भी ख़राब होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पलायन जो है पूरे अपने आगोश में ले लेगा पहाड़ को, और पूरे जो बाजार हैं पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ढूंढ पड़ गई राकेश, छोड़ दल अंदर तुम गए। छोटो को हेलो 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 छोटो को हेलो छोटो को हेलो। तो मैं जट पर्वजोत का ब्लॉग देखता हूँ, तो उसमें जो कहता है छोटो को हेलो, मुझे सबसे बढ़िया वही लगता है। रोड से कैसा रुक जाओ। भाई ये रोड की हालत बहुत ख़राब है। अब मर्चुल जान पड़ा हमको तेल भरावन। तो गाइस सामने देखिए पैराशूट उड़ रहा है। आओ देखो पैराशूट उड़ हम। तो मर्चुला एक टूरिस्ट का हब बन चुका है। तो आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, फिशिंग वगैरह का मज़ा ले सकते हो। तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट भी हैं। तो जैसे आपको अभी मैंने दिखाया कि पैराशूट उड़ रहा था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं अब यहाँ पे आ गई है। एक टूरिस्ट का हब बन गया है मर्चुला। तो एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे कुछ नहीं था। तो सामने देखिए गांव कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वदन में नहीं देखे ना हम गांव में, हम वदन में नहीं देखे ना था। तो हम आ गए हैं कूपी। सामने ये गांव जो है इसका नाम है कूपी। तो काफ़ी अच्छा गाँव है। यहाँ के आम और लीची बहुत फेमस है। कूपी बंदराण हो गया, नागतले हो गया। स्कूली बच्चे स्कूली यूनिफॉर्म में। हेलो छोटो को हेलो। तो कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो ये देखिए सामने से, तो हमने उस लाइन में जाना है अभी उस रोड पे। तो पहले हम मर्चुला जाएंगे और अपनी टाइगर का जो है वहाँ पेड़ भरेंगे, उसके बाद जो है हम घर को जाएंगे। भले हमारा पेड़ भरे ना भरे, लेकिन हमने अपनी टाइगर का पेड़ भरेंगे। तो सामने चट्टान पे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी की लहर ने ये पत्थर काट दिया हो। पानी की जब किसी पत्थर पे लहर मारता रहता है, उसके बाद जो निशान जैसे आ जाते हैं, तो कुछ उसी तरीके से ही लग रहा है। देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाता हूं मैं। और एक
ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई लोहे की परत होगी ऊपर, और ये है नीचे बधनगढ़ नदी। तो देखिए मरचुला का खूबसूरत सा नज़ारा। तो अभी हमने इस रोड पे जाना है जहाँ पे ट्रेवर जा रही है, उस रोड पे जाना है।